हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलिगेशन का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब पार्ट 2 पढ़ाए थे एलिगेशन का, तो उसमें दो गो होमवर्क दिए थे, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, पहले इस वीडियो को, जो टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, दिया है पहला क्वेश्चन कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? निकल रहा है कि दो गो बर्तन है। ठीक है, दो गो बर्तन है और दोनों बर्तन का धारिता समान है। धारिता मतलब क्या हुआ? आयतन। यानी पहला बर्तन में जितना लीटर आता है पानी या मिश्रण कुछ भी, तो दूसरा बर्तन में उतना ही मिश्रण रहे, आयतन रहेगा। यानी अगर पहला में अगर टोटल 10 लीटर भरते हैं मिश्रण को, 10 लीटर, दूसरा की भी क्षमता कितना होगा? 10 लीटर। दोनों का आयतन समान है। ठीक है, अब इन दोनों में रेशियो किस अनुपात में है मिल्क और वाटर का? तो मिल्क वाटर का रेशियो पहला में 3:4 का, और दूसरा में मिल्क और वाटर किस रेशियो में रहेगा? 5:3 का। अब कह रहा है इन दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, इसको भी इसमें डाल दिया जाए, इसमें को भी इसमें डाल दिया जाए, तो इसमें मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक तीसरा बर्तन में डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? देखिए, समझिए इसमें कि मिल्क इसमें से इसमें कितना जाएगा और दूसरा वाला में से मिल्क इसमें कितना जाएगा। ठीक है, तो पहले मिल्क का भाग निकालिए, यानी टोटल मिल्क कैसे निकाले हम लोग? टोटल मिल्क बताइए, मिल्क पहला में है कितना? ठीक है, तो 3:4 के रेशियो में है मिल्क और वाटर, तो मिल्क है कितना? 3। कितना लीटर में? तो 4 और 3 7 लीटर में, यानी मिल्क है 3/7 भाग। और दूसरा में मिल्क कितना है? तो 5। कितना में? 5 और 3 8 है, 5/8 भाग। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल मिल्क। यानी पहला में मिल्क कितना भाग? 3/7 है। दूसरा में मिल्क कितना है? 5/8 है। तो आराम से जाएगा इसमें 3/7 भाग, इसमें जाएगा कितना? 5/8 भाग। दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल मिल्क निकल जाएगा। यानी टोटल मिल्क कितना जाएगा? लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8 से 56, 8 24 और 7 5 35, 8 24 7 5 35, यानी आ जाएगा 5 4 9 और 3 2 5 59, 59/56। यानी इसमें जाएगा कितना? तो दोनों बर्तन से मिला करके मिल्क कितना जाएगा? तो 59/56 भाग। यानी कहे टोटल वाटर कितना जाएगा? टोटल वाटर, देखिए, तो पहला में वाटर कितना है? तो 4/7 भाग। और दूसरा में वाटर कितना है? 3/8 भाग। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वाटर निकल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा उतना ही 56। ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 7 21, 8 चौके 32 + 7 21 जोड़ जाएगा 2 1 3 और 3 5 53/56। यानी दोनों बर्तन से मिलाकर दूध कितना गया है? तो 59/56 भाग, 59/56 भाग। और मिल अभी वाटर कितना गया है? तो 53/56 भाग। टोटल मिल्क टोटल वाटर लीजिएगा तो अनुपात में बिठा दीजिए, तो नीचे 56 56 कट जाएगा, यानी कितना आ गया? चलिए आ गया रेशो कितना, तो 56 56 कट गया, तो 59/53, 59/53 ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, 59/53। ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी नंबर। यानी मिल्क 59 तो वाटर कितना? 53। 59/53 के रेशियो में हो जाएगा, यानी इसमें से मिल्क गया और इसमें से मिल्क गया, तो दोनों को मिल्क को जोड़ लिए, इसमें से वाटर गया और इसमें से वाटर गया, दोनों को वाटर को जोड़ लिए, टोटल मिल्क टोटल वाटर रेशियो निकाल करके बना लेंगे। आइए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन तीन बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और तथा पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए, ये पहला बर्तन में मिल्क और वाटर है,
ये दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर है, ये तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर है। कह रहा है ये तीनों को एक बड़ा बर्तन में डाल दिया जाए, तीनों बर्तन को एक बड़ा बर्तन में डाल दिया जाए, तो बड़ा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। देखते हैं कि पहला से मिल्क कितना जाएगा, दूसरा से मिल्क कितना जाएगा और तीसरा से कितना मिल्क जाएगा, यानी टोटल मिल्क, टोटल मिल्क निकालिए कितना हो जाएगा। तो पहला में मिल्क कितना भाग है, दो बटा, अब जोड़िएगा पांच दो सात भाग, दो बटा सात भाग। दूसरा में मिल्क कितना है, तो तीन बटा सात भाग। और तीसरा बर्तन में कितना है मिल्क, तो चार, कितना में, पांच हजार नौ में, चार बटा नौ भाग। देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहां से कितना जाएगा, नौ सते तिरसठ, नौ सते तिरसठ। अब सबको जोड़ लीजिए, हो जाएगा नौ दूना अठारह, ये हो जाएगा यहां से नौ तिया सताइस और नौ सते तेरह सचौ अट्ठाईस, आठ सात पंद्रह, पंद्रह और आठ कितना जाएगा तेईस, के तीन हाथ में दो, दो दो चार, चार एक पांच, पांच और दो सात, तिहत्तर बटा तिरसठ भाग। अब निकालिए टोटल वाटर, टोटल वाटर देखिए पहला में वाटर कितना जाएगा, तो वाटर पांच है, कितना में, पांच और दो सात में, पांच बटा सात भाग। दूसरा में वाटर कितना है, तो चार, कितना में, चार तीन सात में, चार बटा सात भाग। और तीसरा बर्तन में वाटर कितना है, पांच, कितना है, नौ लीटर में, यानी पांच बटा नौ भाग। एलसीएम हो जाएगा भाई तिरसठ आ जाएगा, तो नौ पच्चे पैतालीस, नौ चौको छत्तीस और सात पच्चे पैंतीस, जोड़िएगा सबको, तो पांच छ पांच ग्यारह, ग्यारह पांच सोलह, के छ नौ एक, चार तीन सात तीन दस एक ग्यारह, एक सौ सोलह बटा तिरसठ निकल गया। तीनों बर्तन को मिलाकर टोटल तिहत्तर बटा तिरसठ और तीनों बर्तन मिलाकर टोटल वाटर कितना, एक सौ सोलह बटा तिरसठ। तो अब वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, तिहत्तर बटा तिरसठ अनुपात एक सौ सोलह बटा तिरसठ, तिरसठ तिरसठ कट जाएगा, यानी आ गया कितना, तिहत्तर अनुपात एक सौ सोलह, यानी चौथा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, तिहत्तर अनुपात एक सौ सोलह के रेशियो में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन जाएगा यहां से, तिहत्तर अनुपात एक सौ सोलह बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तीन समान क्षमता की बोतल, यानी तीन वो बोतल है, वो तीनों बोतल की क्षमता क्या है, समान है, यानी तीनों का बोतल का आयतन बराबर है। दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः, देखिए पहला बोतल में मिल्क और वाटर का रेशियो गया, दूसरा बोतल में मिल्क और वाटर का रेशियो और तीसरा बोतल में मिल्क और वाटर का रेशियो, और तीनों को एक चौथा बड़ी बोतल में डाल दिया जाए, यानी एक बड़ा बोतल है चौथा बोतल, उसमें तीनों को डाल दिया जाए, तीनों मिश्रण को डाल दिया जाए। तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, तो पहले निकालिए आप कि जो चौथा बर्तन में यानी बड़ी बोतल में इन सभी को डालते हैं तो चौथा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो निकालने के लिए कैसे बताएं, टोटल मिल्क और टोटल वाटर की सहायता से। टोटल मिल्क यानी तीनों बोतल से कितना मिल्क जाएगा, कितना भाग, तो देखिए पहला मिल्क कितना है पांच, कितना में, सात पांच बारह में, पांच बटा बारह भाग। दूसरा में कितना है सात बटा सोलह भाग, और तीसरा में कितना जाएगा, तो दो है, कितना में, दो एक तीन में, दो बटा तीन भाग। नीचे का एलसीएम लिए तो अड़तालीस एलसीएम आ जाएगा, बरचौ अड़तालीस यानी पंचों को बीस, सोलतिया अड़तालीस सतिया इक्कीस, और ये हो जाएगा कितना, तो सोलतिया अड़तालीस सोलह दुना बत्तीस, जोड़िएगा दो एक तीन और तीन दो पांच दो सात, तिहत्तर बटा अड़तालीस। ठीक है, इसी तरह टोटल वाटर लीजिए, टोटल वाटर तो तीनों बोतल को मिलाकर वाटर कितना, तो वाटर जोड़ेंगे तो सात बटा बारह, नौ बटा सोलह और एक बटा तीन, एलसीएम कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा, यहां से लिया बरचौ अड़तालीस सचौ अट्ठाईस, सोलतिया अड़तालीस नौतिया सत्ताईस, अभी हो जाएगा सोलहतिया अड़तालीस सोलह, सबको जोड़िए तो सात छ तेरह, तेरह वाट इक्कीस, एक हम दो, दो दो चार, चार पाँच पाँच दो सात, इकहत्तर बटा कितना आ गया अड़तालीस। देखिए अब दोनों का रेशियो बढ़ाएगा टोटल मिल्क और टोटल वाटर को, तो क्या निकलेगा, चौथे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो,
तो 48 तो 48 कट जाएगा, यानी चौथा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 73:71 का, 73:71 का। देखिए अगर पूछता कि चौथे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, तो 73:71 हो जाता। लेकिन पूछा है मिल्क का प्रतिशत कितना है, तो मिल्क है कितना 73, कितना में सबको जोड़िएगा, तो 3 × 1 = 4 और 7 × 7 = 14, यानी 144 प्रतिशत निकालना, 100 से गुना, ठीक है, 73/144 × 100 इसको निकालिए कितना आ जाएगा, तो भागा दे लीजिए यहां से, देखिए इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 50.69%, ठीक है, यानी लगभग में कितना मान सकते हैं 50.7%, इसको मान सकते हैं, यानी कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। टोटल मिल्क और टोटल वाटर की सहायता से चौथे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो निकाले, मिल्क है 73, तो बताइए मिल्क का प्रतिशत कितना है मिश्रण में, मिश्रण में कहा किससे तुलना क्या, मिश्रण से, तो मिल्क के बारे में बोल रहा है तो मिल्क ऊपर, और टोटल मिश्रण से तुलना किया तो मिश्रण नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना गुना कीजिएगा तो आएगा 50.69, लगभग 50.7%, ठीक है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दो समान गिलासों में, देखिए दो समान गिलास, दो समान गिलास मतलब क्या, दोनों गिलास का आयतन बराबर है, दोनों गिलास का आयतन बराबर है, जिसमें क्रमशः 1/3 और 1/4 भाग दूध भरा है। देखिए पहला गिलास है दूसरा गिलास है, ठीक है, तो अगर पहला गिलास में मिल्क है कितना 1/3 भाग, देखिए पहला गिलास का आयतन कितना मानेंगे, तो टोटल मानते हैं भिन्न में कितना 1, टोटल भिन्न में कितना मानेंगे 1, तो 1 में से मिल्क है 1/3 पहला में, तो वाटर कितना हो जाएगा यहां से, तो शेष क्या होगा वाटर, यानी 1 में से 1/3 घटाएंगे कितना आएगा 2/3, यानी ऊपर में घटाकर नीचे में जो कहते हैं। और दूसरा देखिए दूसरा में है कि दूसरा बोतल का भी आयतन कितना होगा, जब इसका आयतन 1 तो इसका भी आयतन कितना लीजिएगा 1, इसका भी आयतन कितना 1, अभी इसमें मिल्क है कितना 1/4, तो बताइए इसमें वाटर कितना हो जाएगा, शेष वाटर होगा, यानी 1 में से 1/4 घटाएंगे कितना आएगा 3/4, यानी पहला गिलास में 1/3 भाग मिल्क तो शेष वाटर, यानी 2/3 भाग वाटर, दूसरा गिलास में मिल्क 1/4 तो शेष क्या होगा वाटर, यानी वाटर कितना 3/4, अब टोटल मिल्क और टोटल वाटर जोड़िए, तो यहाँ जोड़िए टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 1/3 और 1/4 को जोड़िएगा तो एलसीएम हो जाएगा 4×12 और 4×3 = 7, यानी 7/12, ठीक है, 7/12 आ गया मिल्क, और टोटल वाटर को जोड़िए तो ये आ गया 4×12 एलसीएम, 4×8 और 3×9 = 9, 9×8 = 17, 17/12, यानी टोटल मिल्क आया 7/12 और टोटल वाटर कितना आया 17/12, तो आपका रेशियो कितना, तो 12/12 कट जाएगा यहाँ से, 12/12 कट गया, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया 7:17, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन बी। देखिए ट्रिक पर ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा, आप इतना कैलकुलेशन जो करके हम बता रहे हैं इतना भी कैलकुलेशन नहीं होगा, अगर आप सही से क्वेश्चन जो बना जाए तो 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन बनाकर रख दीजिएगा, एक कंसेप्ट रहेगा तब, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस खूब कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने जो है सोल्यूशन वो कम जाएगा थोड़ा सा, कहाँ पर आपको सोल्यूशन करना नहीं करना ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा, इसीलिए ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए, ट्रिक ज्यादा दिन का नहीं आता है, आपको अगर एग्जाम पास करना हो तो बेसिक पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट क्या कहता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो कंसेप्ट पर जाइए ट्रिक पर नहीं। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4 है। देखिए पिछला क्वेश्चन जो पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे कि पिछला में आयतन समान वाला बर्तन रखा था, है ना, यानी बर्तन का आयतन क्या था समान, और यहाँ पर क्या है बर्तन का आयतन अलग अलग है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहला बर्तन का आयतन हुआ, दूसरा बर्तन का आयतन हुआ, ये तीसरा बर्तन का आयतन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहला बर्तन में अगर मिश्रण 3 लीटर आएगा,
दूसरा बर्तन मिश्रण कितना आएगा 4 लीटर, तीसरा बर्तन मिश्रण कितना आएगा 5 लीटर, ठीक है। यानी अगर पहला बर्तन का क्षमता है 3 लीटर रखने का, तो दूसरा बर्तन में कितना लीटर रखने का क्षमता है 4 लीटर का, तो तीसरा बर्तन में कितना है 5 लीटर का। अब पहला बर्तन में, दूसरा बर्तन में और तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो रहेगा किस अनुपात में, तो 4:1, 3:1 और 5:2 के रेशियो में। यानी ये पहला बर्तन में मिल्क और वाटर, ये दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर, और ये तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर करा है। इन तीनों कंटेनर को एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है मिश्रण को, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो निकालिए कि चौथा बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। तो चौथा कंटेनर में देखते हैं कि मिल्क कितना जाएगा तीनों बर्तन से और वाटर कितना जाएगा तीनों बर्तन से। तो निकालिए टोटल मिल्क और टोटल वाटर, टोटल मिल्क तो निकालिए पहला बर्तन में मिल्क कितना हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पहला बर्तन में कितना, 4:1 का, तो मिल्क है 4, तो कितना में, 4:1 में, तो 4/5 भाग। देखिए अब पहला में, पहला बर्तन में 4/5 भाग मिल्क है। अब क्या कीजिएगा कि जो पहला बर्तन का आयतन है वो आयतन से गुना कर लीजिएगा। तो पहला बर्तन का आयतन 3, यानी 3 में 4/5 भाग है, यानी 3 का 4/5 भाग है मिल्क पहला बर्तन में। अब दूसरा बर्तन में मिल्क निकाले तो कितना है 3, कितना में 4 में, 3/4 भाग है, 3/4 भाग। दूसरा बर्तन का आयतन कितना है 4, तो 4 से गुना कर लीजिएगा, 4 से गुना, ठीक है। यानी 4 लीटर में 3/4 भाग क्या है मिल्क है। अब तीसरा बर्तन में मिल्क निकालने कितना है 5, कितना में 7 में, तो 5/7 भाग है मिल्क। तो तीसरा बर्तन का आयतन कितना है 5, तो 5 से गुना कर लेना है। यानी जब बर्तन समान रहता था तो आयतन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन आयतन जब अलग अलग रहेगा तो पहला बर्तन का आयतन, पहला बर्तन का जब मिल्क निकालेगा तो उसका आयतन से गुना, अगर दूसरा बर्तन का आयतन निकालिए दूध निकालेगा दूसरा बर्तन के आयतन से गुना, और तीसरा बर्तन में अगर दूध निकालिएगा तीसरा बर्तन का आयतन से गुना कर लीजिएगा। अब ले लीजिए एलसीएम कितना जगह, 4 से 4 कट गया, 7/5 35। देखिए इसको कीजिए तो 5 से 35, 4 से 12, 12 से 7 कितना होता है 84, 35 × 3 कितना हो जाएगा 105, और 7/35 तो 5 का क्यूब कितना 125। जोड़िएगा 5 5 10 10 4 14 4 अपना 1 2 1 3, 3 8 11 के खाना 1 1 2 1 3, 314/35। तो निकल गया कि तीनों बर्तन को मिलाकर मिल्क का भाग कितना 314/35। अब टोटल वाटर निकालिए, टोटल वाटर देख वाटर है कितना 1/5 भाग। तो वाटर है पहला बर्तन में 1/5 भाग, लेकिन पहला बर्तन का आयतन कितना है 3, तो 3 से गुना करना होगा, यानी 3 का 1/5 भाग है। दूसरा बर्तन वाटर कितना है 1/4 भाग, कितना में 4 में, 4 का 1/4 भाग, और तीसरा बर्तन में वाटर कितना है 2/7 भाग, 2/7 भाग, कितना में 5 में, 5 का 2/7 भाग, 4 4 कट गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 27 21 प्लस, ये हो जाएगा 35 प्लस, ये हो जाएगा 7/35 5 10 5 50। अब एलसीएम 35 यहां से देखिए जोड़िए इसको, 5 1 6 5 1 6, तो 5 3 8 8 2 10, 106/35। अब इसको रेशियो में लिखेगा तो टोटल मिल्क और टोटल वाटर का रेशियो, तो 35 35 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कितना जाएगा 314/106। और इसको छोटा रूप में कीजिए तो 2 से काट लीजिए, तो हो जाएगा 15 × 30 7 × 14 157, और ये कितना हो जाएगा तो 5 × 10 3 × 6 53। यानी चौथा बर्तन में, ठीक है, चौथा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 157/53 का, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी नंबर, सी नंबर जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन कौन जा रहा है सी नंबर। तो क्या कीजिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन बना थे उसी निकालेंगे, टोटल मिल्क टोटल वाटर, लेकिन पहला बर्तन का मिल्क निकालिएगा तो पहला बर्तन का आयतन से गुना, दूसरा बर्तन में मिल्क निकालिएगा तो दूसरा बर्तन का आयतन से गुना, तीसरा बर्तन का आयतन मिल्क निकालिएगा तो तीसरा बर्तन का आयतन से गुना,
वाटर निकालेगा तो उसी वाटर में भी आयतन से गुना कर देना है, टोटल मिल्क टोटल वाटर को रेशियो बिठा देना निकल जाएगा। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन में थोड़ा टाइप चेंज कर गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं छठा से। कह रहा है दो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 और तथा 7:3 है। इन दो को बर्तन है, ये पहला बर्तन हुआ, ये दूसरा बर्तन हुआ। ठीक है, ये पहला बर्तन दूसरा बर्तन, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो। तो पहला बर्तन मिल्क और वाटर का रेशियो करना 3:2 का, और दूसरा बर्तन मिल्क का वाटर करना 7:3 का, 7:3 का। अब कह रहा है तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रणों को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जा सके। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, जो नया मिश्रण बने उसमें किस मिश्रण को मिलाना है, 2:1 का नया मिश्रण तैयार हो जाए तो किस किस रेशियो से मिलाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या जाएगा, एक कॉमन बर्तन आएगा, यानी एक तीसरा बर्तन आएगा, तो इसको मानेंगे कॉमन बर्तन। यानी दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, मिश्रण तैयार होगा। तो मिश्रण जो तैयार होगा यानी कॉमन बर्तन में, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 2:1 का रेशियो जाएगा। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाना होगा दोनों को, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में लेना होगा। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि चाहे तो मिल्क 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 लीजिएगा या वाटर 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 लेंगे। बताइए इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क है 3, कितना में, 3:5 में। इसमें मिल्क कितना है, 7, कितना में, 10 में। इसमें मिल्क कितना है, 2, कितना में, 2:1, 3 में। अब देखिए जब पहला बर्तन में मिल्क का भाग, दूसरा बर्तन में मिल्क का भाग, और दोनों को मिलाने के बाद मिल्क का भाग निकल जाए, ठीक है, मिश्रण का, तो एलिगेशन लगाइएगा। पार्ट वन में एलिवेशन लगाने के लिए बताया था आपको, देखिए 3/5 भाग और कितना, 7/10 भाग, और दोनों को मिला दिए तो किस रेशियो में होगा, 2/3 भाग के रेशियो में। अब तिरछा तिरछी घटाना है, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद आएगा तो बीच में, अब घटाइए तो देखिए 3/5 भाग और 2/3 भाग का अंतर कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 15, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 10, तो 9 और 10 का अंतर करना 1/15 भाग अनुपात, और ये दोनों का अंतर 10 और 3 का एलसीएम करना 30, 10 और 3 का एलसीएम करना 30, तो ये जाएगा 10 × 20 और 7 × 21, तो 20 में से 21 जाएगा तो कितना 1/30, ये काटिएगा 15 × 30। अब होता है तिरछा तिरछी गुनाता है, तो 2 इसमें गुना जाएगा और ई 1 इसमें गुना होगा, तो 1 × 1 = 1 अनुपात, 2 × 1 = 2, यानी किस रेशियो में मिलाना होगा, तो 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में मिलाना होगा। ऑप्शन कौन जा रहा है, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। ध्यान दीजिएगा पहला बर्तन में दूसरा बर्तन में और दोनों को मिलाने के बाद कॉमन बर्तन में, ठीक है, तो चाहे तो मिल्क 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 का एलिगेशन लगा लीजिए या वाटर 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 का एलिगेशन लगा लेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा अनुपात, यही आपका आंसर रहेगा। देखिए आइए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी, यानी एक बर्तन है ए और ए में एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर 5:2 के रेशियो में, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में, यानी ये भी दूसरा बर्तन में 8:5 के रेशियो में वाटर रहेगा। यानी एक बर्तन ए नाम दिया गया है और दूसरा बर्तन को बी नाम दिया गया है, पहला बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो 5:2 और दूसरा बर्तन में बी में 8:5 का रेशियो एसिड और वाटर का। कह रहा है इन बर्तनों के मिश्रण में से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाए, यानी दोनों से किस रेशियो में निकाले जाए कि उनमें शेष अम्ल तथा पानी का अनुपात 9:4 रह जाए, ठीक है, निकालने के बाद कितना रह जाए, 9:4 रह जाए। इसमें भी 9:4 आएगा तो क्या रहेगा, एसिड और वाटर, इक्वल दोनों को मिला करके निकाल लिया जाता है, यानी मिश्रण में से निकाला जाता है इतना रह जाएगा शेष। तो देखिए इक्वल हुआ कॉमन बर्तन होगा, इक्वल हुआ कॉमन बर्तन, ये कॉमन बर्तन हो गया। अब चाहे तो एसिड 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 चलिए या वाटर 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 से चलेंगे, तो एसिड इसमें कितना हो जाएगा, एसिड हो जाएगा 5/7 भाग, एसिड इसमें एसिड कितना हो जाएगा, 8/13 भाग,
तो इसमें एसिड कितना हो जाएगा, 9/13 भाग, एलिगेशन तो 5/7 भाग, और इसमें कितना 8/13 भाग, और दोनों को मिलाने के बाद शेष बचेगा कितना, तो 9/13 भाग, 9/13 घटा के तिरछा तिरछी। देखिए एलसीएम लीजिएगा यहां से तो कितना हो जाएगा, 63/91, एलसीएम 91 हो जाएगा, 91 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5 65, और 9/63, 65 में 63 जाएगा तो कितना 2, अभी दोनों को घटाएंगे तो 13/13 एलसीएम 13 हो जाएगा, 13 तो 9 में 60 जाएगा 1, ये 63/91 कट जाएगा, 63/91 7 कहां जाएगा इसमें गुना, तो 7 × 1 कितना 7, यानी आ जाएगा 7:2, यानी 7:2 के रेशियो में निकाला जाएगा, कौन सा बन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर। देखिए आठवां क्वेश्चन है, तो आठवां क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा, यानी करा ए और बी मिश्र धातु है जिन्हें सोने तथा तांबे के 5/3 और 5/11 का अनुपात मिलाकर बनाया गया है, इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं को पिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई, तो मिश्र धातु सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है, यानी करा है कि दो गुणवर्तन है ए और बी, इसमें सोना और तांबा का मिश्र धातु है, ठीक है, तो ई रेशियो दे दिया है, और दोनों की समान मात्रा लेकर के पिघला दिया, और पिघलाने के बाद एक तीसरा मिश्र धातु सी बना दिया, तो सी में सोना तांबा का रेशियो कितना होगा, तो टाइप बताया है जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, ठीक है, उसी पर आधारित है, तो ये आठवां नंबर होमवर्क रहा, और इसको बन जाएगा, तो इसको आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और नौवां क्वेश्चन भी देख लीजिए, नौवां क्वेश्चन है, चार पात्रों के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रमशः इतना इतना रेशियो में है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, तो हम बताए थे कि जिसके बारे में बोलेगा ऊपर में, जिससे तुलना करेगा नीचे में, अब देख लीजिएगा सबसे छोटा कौन होगा, तो कौन सा आपको बताना है, पहला बर्तन में सबसे कम है, दूसरा में या तीसरा में या चौथा में, कौन सा बर्तन है, तो ये भी आपका होमवर्क रहा है, ठीक है, तो नौवां यानी आठवां और नौवां दोनों आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में और कमेंट में आपको बताना है कि 8 का आंसर कौन सा रहा है, 9 का आंसर कौन सा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट 2 का होमवर्क दिए थे वो नहीं आप बना के बताए हैं, तो नहीं बता के बताए तो कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर लीजिए कम से कम, ठीक है, पार्ट 3 का वीडियो में जो भी आठवां और नौवां का होमवर्क है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। और जो पार्ट 2 का जो नौवां और दसवां क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए ये पार्ट 2 का है, जब पार्ट 2 का वीडियो निकालिएगा, पार्ट 2 का वीडियो एलिगेशन का, तो उसमें नौवां नंबर रहेगा, ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा, नौवां नंबर रहेगा। तो नौवां नंबर बनाने के लिए थे होमवर्क में, उसको देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए करा एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 का रेशियो है, ये एक मिश्रण था, तो मिश्रण था कितना नहीं पता, तो मान लीजिए प्रारंभिक मिश्रण बताया था ना, मानने के लिए प्रारंभिक मिश्रण कितना, 1 लीटर, तो 1 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 2:3। अब कल बताए थे कि अगर मिश्रण में से मिश्रण भी निकल जाएगा तो अनुपात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 लीटर में से अगर 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर 5 लीटर जितना भी निकाल लीजिए, मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात वही रहेगा, यानी उसी अनुपात में बचेगा। करा 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, मतलब 10 लीटर निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 1 - 10 इतना लीटर बचेगा मिश्रण, तब भी रेशियो इतना ही रहेगा। अब इसमें 1 - 10 लीटर में उतना ही पानी डालते हैं, तो बताइए 1 - 10 लीटर में अगर 10 लीटर पानी डाल दिए, ठीक है, 10 लीटर पानी, तो पानी की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, और दूध की मात्रा पहले जितना उतना ही याद रहेगा, ठीक है, तो रेशियो हो जाता है कितना, 3:5 के रेशियो में, 3:5 का रेशियो में, मतलब 10-10 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1। तो अब बताए थे कि पानी डालेंगे तो किसको समान करना है, बताइए किसको समान करेंगे, तो दूध को समान करेंगे, पहले जो था 1 - 10 लीटर, इसमें दूध का भाग कितना है, तो 2 है, कितना में, 5 में,
तो 2/5 भाग, और दूसरा बर्तन में यानी दूसरा मिश्रण में एक्स में दूध का भाग कितना है, 3/5 भाग, 3/8 भाग, दोनों क्या होगा बराबर। देखिए तीछा तीछी गुना कर लीजिए, ठीक है, तो 8 × 2 क्या जाएगा 16x, 8 × 2 16x, 8 × 2 16x, और 8 × 2 16 16 = 160 -160 बराबर, 5 × 3 कितना जाएगा 15x, 16x में से 15x घटेगा तो x बराबर कितना उधर जाएगा, तो 160 लीटर। x का मान है प्रारंभिक मिश्रण, इन प्रारंभिक मिश्रण था कितना 160, यानी 160 लीटर में 2:3 का रेशियो था, 10 लीटर निकाल लिए मिश्रण तो बचा रहा कितना 150, तो ये 2:3 का रेशियो रह जाएगा, ठीक है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, अगर मिश्रण में से मिश्रण निकलेगा तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 150 बचा यहां से 160 -10 यानी 150 और 10 लीटर फिर डालेंगे कितना हो गया 160 हो गया, 160 में अब दूध और पानी का रेशियो कितना 3:5, दोनों तरफ का करना है, दूध को समान करना है, निकल जाएगा यानी x का मान कितना 160 लीटर, कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर। तो आइए 11वां नंबर क्वेश्चन, ये 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो कल पार्ट यानी एलिगेशन के पार्ट टू जब पार्ट टू देखिएगा तो पार्ट टू एलिगेशन पार्ट टू के 10वां नंबर होगा, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है, तो बताइए टोटल होता है 100%, तो 80% अम्ल हो गया तो जल कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा ना, और रेशियो में बैठाइएगा इसको तो प्रतिशत प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 1:0 से 1:0 बीच को 80 यानी किस रेशियो में आ जाएगा 4:1 के रेशियो में, यानी कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और जल का रेशियो कितना 4:1 आ जाएगा, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, ठीक है, यानी पहले था 4:1 के रेशियो में मिलकर वाटा 4:1 कहां से आया है, तो 80% और 20% आया है। अब कह रहा है इसमें कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही भाग इसमें क्या मिलाएंगे, कितना भाग निकाला जाए और जल मिला दिया जाए, यानी उसमें उतना ही जल मिला दिया जाए, तो 4:3 के रेशियो में हो जाता है, यानी कितना 4:3 के रेशियो में। पहले मानिए कि मिश्रण था कितना प्रारंभिक मिश्रण, मिश्रण मान लीजिए एक्स लीटर, अब मिश्रण था एक्स लीटर, उसमें रेशियो कितना 4:1 का, अब अगर इसमें कितना भाग निकाला जाए, मान लीजिए कितना निकालते हैं x में से m लीटर निकाल लेते हैं, बताइए m लीटर निकाला गया है, m क्या है निकाला गया मिश्रण, तो m लीटर मिश्रण निकालेगा तो मिश्रण में से मिश्रण निकलेगा तब पर भी अनुपात में कोई परिवर्तन ना होगा, ठीक है, 4:1 ही रेशियो में रहेगा, तो शेष मिश्रण इतना बचा, अब जितना मिश्रण निकाले हैं उतना ही उसमें जल डालते हैं, जल डालिएगा यानी x माइनस m बचल था, इसमें m लीटर निकालने हैं तो m लीटर ही का कहिएगा जल डालना है, बताइए m लीटर डाल दिए तो m m कट जाएगा तो हो जाएगा मिश्रण कितना x लीटर, किस रेशियो में हो जाएगा 4:3 के रेशियो में, काहे कि सिर्फ जल डाले हैं इसीलिए अनुपात चेंज कर दिया है, बताइए अब जल डाले तो किसको समान करना है, तो दूध को समान करना है, तो पहला दूध मैंने अम्ल, यानी पहला में अम्ल कितना है और दूसरा में अम्ल कितना है, दोनों में अम्ल क्या होगा बराबर होगा, x माइनस m में अम्ल का भाग कितना 4/5 भाग, और दूसरा x में अम्ल का भाग कितना 4/7 भाग, वो 4 ऊपर से कट जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 7x माइनस 7m हो जाएगा 5x, यानी 7m बराबर बोल सकते हैं कितना 2x, यानी m बराबर कितना हो जाएगा तो 2/7 × x यानी 2/7 भाग किसका मिश्रण का, यानी m का मान क्या आया है, तो m माने थे क्या निकाली गई मिश्रण और यह डाला गया जल, तो कितना भाग निकालिएगा कितना भाग डालिएगा, तो मिश्रण का 2/7 भाग निकालेंगे, ठीक है, मिश्रण और मिश्रण का 2/7 भाग जल डालेंगे, ये आंसर कौन जा रहा है 2/7 भाग, यानी ऑप्शन बी जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। थैंक यू, रन दिया जाए अपना, और अब हम लोग चलेंगे अगला वीडियो पार्ट 4 बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गाय मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन और शेष दूध की मात्रा, यानी अगर शुद्ध दूध है उसको शुद्ध दूध को निकाल करके कुछ मात्रा को और उतना ही पानी डाल दिया जाए, फिर दूध मिश्रण को निकालेंगे और पानी डालेंगे,
दो तीन बार जब यही प्रक्रिया करते हैं तो शेष दूध कितना बचेगा, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है पूछेगा। तो पढ़ेंगे अगला वीडियो में दो टाइप का क्वेश्चन, टाइप जब पार्ट फोर लाएंगे तो उसमें दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो होमवर्क भी है आज का क्वेश्चन दूगो, वो बना करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमको कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, कैसा कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है वीडियो को। और लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कर और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तक नया वीडियो जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।